A very good morning to all my dear students. How are you? I hope you all are very well and safe at your home. So dear students, today we have the subject conversation, and today we will also prepare the conversation subject for second terminal examination. So dear students, I want to tell you that आपके जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको कन्वर्सेशन में फर्स्ट टू लेसन्स आने हैं, ठीक है. सो आई विल शो यू द लेसन्स ऑल्सो. फर्स्ट वी हैव अबाउट माई सेल्फ लेसन नंबर वन, एंड सेकेंड वी हैव लेसन नंबर टू माई फैमिली. सो ये दोनों जो लेसन्स हैं यही आपको सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में आपको आने हैं. तो आपने यही दोनों लेसन्स जो हैं आपने प्रिपेयर करने हैं, आपने इनकी तैयारी ही करनी है फॉर योर सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन. सो टुडे वी विल डू, यू नो, वी विल प्रिपेयर अबाउट माई सेल्फ लेसन नंबर वन. So we already, you know, we already read this lesson. So here we have on the first day of your school, the teacher is getting information from the students. ठीक है, जैसे कि आपका स्कूल में पहला दिन होता है तो टीचर जो है वो आपसे इंफॉर्मेशन लेती हैं. किन से इंफॉर्मेशन लेती हैं? वो सब जो इंफॉर्मेशन है वो आप स्टूडेंट से लेती हैं. सो टीचर पूछ रहे हैं, हेलो डियर, व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है, यू विल से माई नेम इज़. सो हियर यू विल राइट योर नेम. माई नेम इज़, आपका क्या नेम है? माई नेम इज़ जसमीत कौर, माई नेम इज़ कमलप्रीत सिंह, माई नेम इज़ शबदप्रीत कौर. सो यू विल टेक योर नेम ओनली. ठीक है, सो हियर यू विल राइट योर नेम. नेक्स्ट वी हैव, हाउ ओल्ड आर यू? यू विल हैव टू से आई एम 7 years old. आप कितने साल के हैं? 7 years old. वट इज़ योर फादर्स नेम? आपके पापा का नाम. सो माई फादर्स नेम इज़. सो यहाँ पे आपको अपने पापा का नेम लिखना है. एंड इन सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन यू विल ऑल्सो टेल द नेम ऑफ योर फादर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, वट इज़ योर मदर्स नेम? आपके मम्मा का नाम. माई मदर्स नेम इज़. यहाँ पे आपको मम्मा का नाम लिखना है. वेयर डू यू लिव? आई लिव इन. यहाँ पे आपको अपना विलेज या आपका टाउन जो है, आपका शहर है, आपका गाँव है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट वी हैव, वॉट इज़ योर ग्रैंड फादर्स नेम? आपको अपने दादाजी का नेम यहाँ पे लिखना है और आपको ये लर्न भी करना है. ठीक है, आपके दादाजी का क्या नेम है आप सबको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वी हैव, वट इज़ योर ग्रैंड मदर्स नेम? ठीक है, सो आपने यहाँ पे अपने, माई ग्रैंड मदर्स नेम इज़. राइट योर ग्रैंड मदर्स नेम. आपको यहाँ पे अपने दादी का नाम लिखना है. वट इज़ योर ब्रदर्स नेम? ठीक है, अपने ब्रदर का नेम. माई ब्रदर्स नेम इज़. आपको यहाँ पे अपने ब्रदर का नेम लिखना है और आपको आपको पता भी होना चाहिए व्हाट्स द नेम ऑफ योर ब्रदर. वट इज़ योर सिस्टर्स नेम? आपकी सिस्टर का क्या नेम है आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपको अपने यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव, डू यू हेल्प मदर एट होम? कि क्या आप अपनी मम्मा की मदद करते हैं घर पे? अगर आप करते हैं तो यू विल हैव टू राइट हियर, येस आई हेल्प माई मदर एट होम. डू यू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? कि क्या आप अपने दादादी के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं? सो अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे येस लिखना है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे नो लिखना है. ठीक है, येस आई स्पेंड टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. नेक्स्ट वी हैव, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स टेल योर स्टोरीज? कि क्या आपके दादादी आपको स्टोरी सुनाते हैं, आपको कहानियाँ सुनाते हैं? सो अगर आपको सुनाते हैं तो आपको यहाँ पे येस लिखना है, येस माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी स्टोरीज. नेक्स्ट वी हैव, लिस्ट फ्यू थिंग्स यू डू एट होम. ठीक है, आप घर पे क्या करते हैं तो उसकी आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है. मतलब आपको बताना है कि आप वहाँ, मतलब अपने घर में क्या करते हैं. ठीक है, सो यू विल हैव टू राइट हियर कि आप प्ले करते हैं, यू विल स्टडी, यू स्टडी एट होम, यू प्ले एट होम. ठीक है, यू हेल्प योर मदर, यू हेल्प योर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एट होम ऑल्सो. सो वी प्रिपेयर्ड लेसन नंबर वन अबाउट माई सेल्फ. सो आई होप यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस इट एट होम. पेरेंट्स, यू आर ऑल्सो सजेस्टेड टू गो विद द प्रैक्टिस फॉर योर स्टूडेंट, फॉर योर वर्ड्स, एंड आई होप यू विल एक्ट अपॉन. थैंक यू एंड हैव अ लवली डे.